सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना, घर में आते हैं कोई बोरिंग से रिश्तेदार, उसके बाद में आप बोलते हैं कि भैया कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे किसी बात नहीं करनी। या फिर अगर आपके जाए बाजार में आपको मिल जाए कोई ऐसा अनचाहा इंसान तो आप निकलने के बाद में पतली गली से। दोस्तों यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस भैया बड़े बड़े प्लेन्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, दोस्तों उनको जब बचना होता है दुश्मन की नजर से तो वो यहाँ पे काम में लेते हैं स्टेल्स टेक्नोलॉजी को। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो वो शिप्स हैं, जो प्लेन्स हैं, उनकी बात तो हम छोड़ दें, अगर दोस्तों बात करते हैं सिंपल सैनिकों की तो वो भी दोस्तों कई बार छुपे होते हैं झाड़ियों में लगा के घास फूस अपने ऊपर, ताकि वो उनसे घुल मिल जाए और वहां पे कोई देख ना पाए कि भैया कोई सैनिक भी छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ भैया बड़ी बड़ी शिप्स की, बड़े बड़े प्लेन्स की, अगर उनको जाना है दुश्मन की टेरिटरी में, दोस्तों उनको करना है वहां पे जाके अटैक, तो वो दुश्मन के रडार में भैया पकड़ में ना आए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, वरना जाएंगे करने अटैक और दोस्तों खुद पे हो जाएगा हमला। तो यहां पे काम में लिया जाता है स्टेल्स टेक्नोलॉजी को, इसके चलते वो कैसे बचे रह सकते हैं किसी भी रडार की पकड़ में आने से। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है भैया वो तो बहुत ही पुराना है, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत ही बड़ा सा प्लेन है कि अगर घुस के आ जाएगा तो दोस्तों जो दुश्मन है वो पता लगा लेगा कि भैया हमारी टेरिटरी में घुस गया है। लेकिन इसको हम कैसे रोकें? अब प्लेन को तो गायब नहीं कर सकते, हालांकि दोस्तों पहले एक बार वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स ने कोशिश की थी कि वो एक ऐसे ट्रांसपेरेंट से मटेरियल का प्लेन बनाते हैं जहां पे वो शायद नजर में ना आए, लेकिन वो पड़ गया उनके ऊपर उल्टा, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एंगल से सूरज से दोस्तों होके जब आई रेज रिफ्लेक्ट तो वो और अच्छे से पकड़ में आ रहा था। लेकिन यहां पे आज के दोस्तों डेट में आपसे बात करता हूं मॉडर्न एरा की, जहां पे हमारे पास भैया सुपर कंप्यूटर्स हैं, हम कर सकते हैं तरह तरह के सिमुलेशंस। तो यहां पे अभी जो करंट दोस्तों टेक्निक्स काम ले रहे हैं वो तरह तरह की है, जहां पे सबका मिला के अगर हम बोलते हैं रिजल्ट वो ये कि जो बहुत ही बड़ा सा भी प्लेन है वो भी अगर घुस जाएगा दुश्मन के एरिया में तो मालूम चल नहीं पाएगा कि भैया क्या आया, कोई चिड़िया आई है फिर कोई प्लेन आया है। तो यहां पे दोस्तों सबसे जो पहली टेक्निक है वो उसको जाने है, उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो डिटेक्शन है वो कैसे काम करता है। मैंने हाल ही एक वीडियो बनाई है रडार के ऊपर, जहां पे दोस्तों रडार है वो रेडियो वेव्स फेंकती हैं सामने, दोस्तों वो जाती हैं, उसके बाद में जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के आती हैं तो वो देती है इंफॉर्मेशन कि भैया जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है और वो किस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट से जो होते हैं हमारे 400 जो है कमर्शियल एयरलाइनर्स, उनकी पोजीशन को बड़े आराम से दोस्तों ट्रैक करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो बड़े आराम से मालूम चल जाए कि भैया कहां पे कौन सा एयरक्राफ्ट है, किधर जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे अगर आपको उसको कम करना है तो आपको बचना होगा उन रेडियो वेव से। वो जो रेडियो वेव्स भैया आती हैं टकरा के दोस्तों जब पहुंच जाती हैं वापस, अगर आप उनको वापस ना पहुंचने दो तो अगर आप उन रेडियो वेव्स को वहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, या फिर अगर आप उनको ऐसे फैला दो राइट लेफ्ट कि वो कभी भी वापस रडार तक ना पहुंच पाए, तो यहां पे दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ऐसा ही काम करती है। जहां पे जो मटेरियल्स काम में लिए जाते हैं दोस्तों उन शिप्स के ऊपर या फिर उन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, वो होते हैं कुछ स्पेशल पेंट की कोटिंग वाले, जहां पे अगर हमने उस पेंट को ऊपर से दोस्तों कर दिया कोट तो वहां पे कुछ ऐसे आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस आने वाली रेडियो वेव्स को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो शेप्स हैं वो शेप भी बहुत ही खास यहां पे चूज करते हैं, जहां पे शार्प एजेस हैं, शार्प दोस्तों यहां पे कॉर्नर्स हैं, जिसके चलते जो रेज आएंगी वो टकरा के राइट लेफ्ट जाएंगी और ऐसे में रडार को मालूम चल नहीं पाएगा कि भैया जो सामने ऑब्जेक्ट है वो क्या है या फिर कहां पे है या फिर उसका एक्चुअल साइज कितना है। हो सकता है प्लेन बहुत ही बड़ा होगा लेकिन आपको दिखेगा कि अरे यार तो शायद लगता है कोई बड़ी चिड़िया है। तो यहां पे दोस्तों ये टेक्निक्स हम काम में लेते हैं। अब जो पेंट वगैरह है वो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और यहां पे दोस्तों हालांकि रिसर्च चल रही है नए नए मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए, जहां पे हमसे बात करता हूं कार्बन फाइबर की, जहां पे दोस्तों हमसे बात करते हैं कार्बन नैनोट्यूब्स की, जो और अच्छे से एफिशिएंटली उन रेडियो वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो कि बाद में टकरा के सामने नहीं जाएंगी। लेकिन यहां पे दोस्तों जो शेप चेंजिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव है, जहां पे अगर आप करते हैं कंप्यूटर से सिमुलेशन की, भैया पहले तो ठीक है कहां अपने पास में कंप्यूटर्स थे तो अंदाजा लगा लिया कि भैया ऐसे टेढ़े-मेढ़े कोने बना लो, लेकिन दोस्तों आज की डेट में आप कर सकते हो बिल्कुल प्रिसाइज सिमुलेशन की जो आपका एयरक्राफ्ट है वो कैसे रिएक्ट करेगा इनकमिंग रेडियो वेव्स के ऊपर। तो यहां पे आपने शेप्स को एकदम प्रिसाइजली दोस्तों चेंज किया, जिसके चलते वो जो एयरक्राफ्ट है वो एरोडायनामिक भी है, जहां पे उसको उड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और वो काफी अच्छे से बचा हुआ है रडार के साथ में। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो है यहां पे हीट का। भाई ठीक है आपने शेप चेंज कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो आपके इंजन्स हैं वो दोस्तों गर्म हो रहे हैं अब। लेकिन ऐसे में अगर आप नीचे से लगाते हो एक इंफ्रारेड कैमरा तो वहां पे आप देख पाओगे भैया जो हीटिंग है वो हो रही है इंजन्स की, तो आप बड़े आराम से पकड़ लोगे वहां पे एयरक्राफ्ट है। लेकिन यहां पे दोस्तों अगर आपने इंजन्स को बॉडी के अंदर ही उनका एक हिस्सा बना लिया या फिर अगर आपने लगा दिया है एयरक्राफ्ट के ऊपर की तरफ,
तो वो नीचे दोस्तों देखने पे मालूम चलेगा नहीं कि भैया वहां पे कुछ गर्मी हो रही है, तो आप उससे भी बचे रह सकते हो। इसके दोस्तों अलावा निकल के आता है साउंड का एक पैरामीटर कि भैया आवाज तो आएगी। तो यहां पे दोस्तों फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, तो जो उनके रोटर्स होते हैं उनको ऐसे स्पेसिफिक दोस्तों डिजाइन किए जाते हैं जहां पे वो मैक्सिमम जो नॉइस है उसको कैंसिल कर देते हैं। जो हम सुनते हैं नॉइस कैंसिलेशन दोस्तों हेडफोन्स, कुछ यही प्रिंसिपल होता है, जहां पे जो रोटर्स हैं उनका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि वो काम तो करते हैं पूरा परफेक्ट, लेकिन साथ में जो आवाज है उसको काफी हद तक वहीं पे डैम्प कर देते हैं, जिसके बाद में वो आवाज दूर तक जाती नहीं है और उनके बारे में पता लगा नहीं पाते हैं। दोस्तों यहां पे सेम टेक्निक जो है वो काम में लेते हैं शिप्स वगैरह में। अब भैया यूएस जो है वो इस मामले में लीड कर रहा है, जहां पे उसके पास बहुत सारे तरह तरह के फाइटर जेट्स हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। लेकिन दोस्तों यहां पे इंडिया जो है वो भी कम नहीं है, और यहां पे डीआरडीओ के साथ में मिलकर चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम, और इनफैक्ट इंडिया और रशिया मिलकर भी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे इंडिया के पास में भी एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस टेक्निक से लैस हैं, जहां पे अगर वो जाते हैं दुश्मन के एरिया में तो उनके बारे में पता लगाना मुश्किल ही नामुमकिन है। अभी आगे चल के देखो हम क्या पता मिस्टर इंडिया टाइप कुछ बना लें कि मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, या भैया कोई और अपने मटेरियल वहां पे ऐसा डेवलप कर लिया जिसके चलते वो जो रेडियो वेव्स आ रही हैं उनको एकदम बिल्कुल ही जीरो कर दिया, मतलब वो हम बाद की बात देखते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च किए जाते हैं रिसर्च को लेकर, और ऐसे में जो टेक्निक्स दोस्तों आइडेंटिफिकेशन के लिए वो भी इवॉल्व हो रही है, जो रडार्स हैं वो भी काफी सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं। तो मतलब ये एक रेस लगी हुई है कि भैया हम तुम्हारी पकड़ में नहीं आएंगे और हम तुमको पकड़ के रहेंगे। तो यहां पे जो रेस है वो आगे जाके चल रही है, लेकिन इसके चलते फायदा ये हो रहा है कि दोनों जो टेक्निक्स हैं वो काफी अच्छे से इवॉल्व हो रही हैं। अगर किसी के पास में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है तो किसी के पास में इतने हाईटेक रडार हैं कि वो उससे बच नहीं सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये है पूरा कॉन्सेप्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। वैसे में अगर आप जाते हो कि बीच बाजार में और मिल जाता कोई अनजान चेहरा तो आप तो निकल लो पतली गली से, आप कहां अपने ऊपर पेंट की कोटिंग करते फिरोगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।